फरिश्ता नाटकों के विशेष मासिक श्रृंखला में आज प्रस्तुत है श्री बशीर दादा के कश्मीरी नाटक नब पे छली छली का हिंदी अनुवाद। इस नाटक के आलेख को अखिल भारतीय नाट्य लेखन प्रतियोगिता 1987 में कश्मीरी भाषा के लिए तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो लीजिए सुनिए नाटक फरिश्ता। क्या है अम्मी? इधर तो आ। जी। आ गए? अरे दो घड़ी तो अपनी अम्मी के पास भी बैठ लिया कर। तेरे अप्पा नहीं आए? मैं क्या जानू अम्मी, मैं तो स्टील फैक्ट्री से सीधा घर आया हूँ। अब्बा कहीं काम से निकल गए होंगे। अच्छा अच्छा, बैठ जा। सारा अप्पा की बेटी के बारे में क्या सोचा? ओफो अम्मी, मैंने तुम्हें बता तो दिया है कि वो लड़की मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, फिर गुलाम काका से ही बात कर लो। आए हमारी बात नहीं रखनी है तो जहाँ जी चाहे वहीं शादी कर लेना। देखो अम्मी, मैं सब समझता हूँ। अब्बा ने लाला साहब की मिन्नत करके फैक्ट्री में मुझे नौकरी दिलवा दी है। आपके उस एहसान के बदले में मुझे अपनी जिंदगी तबाह करनी पड़े तो मैं करूंगा। आप यही चाहती है ना, फिर मेरे चाहने से क्या? अच्छा अच्छा, बुरा ना मानो तो देख लो कौन है दरवाजे पे। गुलाम काका होंगे और कौन। अस्सलाम वालेकुम कैशरनी साहिबा। वालेकुम सलाम। गुलाम काका, कैशियर साहब नहीं आए? हेलो, लो कर लो बात। भाई कैशियर साहब ठहरे फैक्ट्री के मालिक, हम छोटे मुलाजमों का काम 4 बजे तक ही होता है। कैशियर साहब लाला साहब के घर जम गए होंगे। वो अभी तक नहीं आए, मेरा दिल डूब सा रहा है। फजल का रब्बा। कैशियरनी साहिबा, रब रखा है। अच्छा तो क्या सोचा फिर? दिन भर तो कैशियर साहब के साथ होते हो, इनसे नहीं पूछा? कैशियर साहब वही करेंगे ना जो आप फैसला करेंगी। हुसैन, तू उस कमरे में बैठ तो जरा। जी ठीक है। क्या नाम बताया था लड़की का? जी, लड़की का नाम शमशाद है। बाप का नाम अनवर है। मेरे साथ ही नौकरी करता है। और कुछ पूछना है? बस बाकी सब मालूम है। कश्यपनी साहिबा, बेटी शमशाद को तो देखते ही बनता है। रहा अनवर, सो वो मेरी ही तरह लाला साहब का छोटा सा नौकर है। हाँ, पर रस्मो रिवाज सब जानता है। गुलाम काका, कल एक रिश्ता आया था। जी? सिर्फ बात रोकने पर ही स्कूटर दे रहे थे। लेकिन अनवर स्कूटर तो दे नहीं सकेगा। तुम जानो हैसियत कोई छिपाए छिपती है। जी हाँ जी। चलो वो तो ठीक है, पर मैं कहूँ कि सौदा ठोक बजा के होना चाहिए। जी। मेरा बेटा नौकरी करता है, 2500 रुपए पगार लेता है। अच्छा एक बात बताओ जी, ये सनवर की तनख्वाह कितनी है? जी वो अम्मी, अम्मी, अब्बा जान। अरे क्या हुआ? अरे क्या बात है साहब? अब्बा जान, कैशियर साहब, कैशियर साहब, क्या हुआ? कुछ बताइए ना, कुछ बताइए ना। तो बुला के लेके आ। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। देखो देखो देखो, किसी को पता ना चले, किसी को पता ना चले, नहीं तो मेरी कुर्की हो जाएगी और नौकरी भी जाएगी। और लाला भी नहीं। ओ, ओ, आखिर बात क्या हुई? गुलाम काका, अरे मैं लूट गया, बिजली गिरी मुझ पर। अरे 15,610 रुपए लेके कारखाने से चला था कि लाला साहब के घर पर जाकर सौंप दूंगा। आए रस्ते में सारा कैश गिर गया। मैं क्या करूं? या अल्लाह, इतनी बड़ी रकम। अरे गुलाम, आज ही नया बैग खरीद कर लाया था, बैंगनी रंग का। जी। अगर लाला साहब को पता चल गया तो? ना, खबरदार रहना, खबरदार रहना, लाला साहब को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। गुलाम काका, गुलाम काका, जुबान नहीं खोलना, नहीं तो मुझे हथकड़ियां लग जाएंगी। अब क्या होगा? खुदा खैर करे, सब्र से काम दीजिए, सब्र से काम दीजिए। 15,000, इस घर को जाने किस मनहूस की बद नजर लगी। गुलाम काका जी,
आप उस अनवर की बेटी शमशाद का रिश्ता लेकर आए ना, तो मैं समझ गई थी कुछ गड़बड़ होने वाली है। हाँ, हो गई ना। ऐसा मत कहिए केशरी जी, कौन जाने कि शमशाद के भाग्य से ही ये मुश्किल हल हो जाए। खुदा करे किसी भी किस्मत वाले की किस्मत मुझे उबार दे, नहीं तो मुझे जहर खाने के अलावा और कोई चारा नहीं। केशर साहब बचपन मत कीजिए। अब्बा अब्बा चलो थाने में रबट लिखवा कर आते हैं। नहीं नहीं, हाँ हाँ अब्बा जान, हाँ हौसला रखो सब ठीक हो जाएगा। चलो थाने चलते हैं। आइए अब्बा जान, आइए आइए। थाना कचहरी होगा, थाना कचहरी होगा इस घर में। अब पता है क्या होगा। तो तुम लाला साहब के कालीनों के कारखाने में कैशियर हो? जी जनाब, ये मेरा बेटा है, इसे भी लाला साहब ने अपनी स्टील फैक्ट्री में नौकरी दे दी है। क्या नाम है? जी हुसैन जी। और ये कौन है? हजरत मैं गुलाम हूँ। हुजूर मैं भी लाला साहब के। अच्छा अच्छा चुप हो जाओ, साहब आ रहे हैं। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हवलदार जनाब, ये साहब कौन है? जनाब ये कैशियर साहब है, इन्हीं का रुपयों वाला बैग गुम हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। ये इनका बेटा है हुसैन, और ये जनाब कैशियर के साथ ही कालीनों के कारखाने में काम करते हैं। बैग में कुल कितना रुपया था? जनाब 15,610 रुपए। 10 रुपए का एक नोट था, 50 के 20 से, और बाकी सब 100 के थे। जनाब सारा कैश एक बैंगनी रंग के बैग में था। इतनी रकम जिसने उठाई होगी वो लौटाएगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए, ऐसा ना कहिए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। पागल होने की जरूरत नहीं है, पर थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अगर कोई रकम उठाकर जहां ले आता है जनाब, तो जनाब अब कौन वापस करेगा, कौन वापस करेगा? हवलदार जनाब, भाई इस कैशियर का पता नोट कर लो और इससे रसीद ले लो। जी रसीद। और हाँ वो बैग यहाँ ले आओ। बेहतर जनाब। अब्बा बैग मिल गया। अब्बा जनाब मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। गुलाम काका, गुलाम काका पैसा मिल गया, पैसा मिल गया। परवरदिगार परवरदिगार, तेरा जवाब नहीं, तेरा जवाब नहीं। ऐसे साहब ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मेरे पैरों में मत गिरो। अरे ऐसे जो साहब, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूला। देखो मैंने कोई एहसान नहीं किया भाई, ये तो एक आदमी ने। कौन है वो नेक फरिश्ता, कौन है वो नेक फरिश्ता? आप इजाजत दे तो मैं उसकी दीदार करना चाहूंगा, उसके पैर पकड़ना चाहूंगा। तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे परवरदिगार, इस पापी जग में गुनाहगारों के बीच ऐसे फरिश्ते भी हैं। जी हाँ है, और जब तक इस धरती पर ऐसे लोग रहेंगे, सूरज और चांद उगते रहेंगे, ये जग टिका रहेगा। जनाब जनाब मैं बेचैन हो रहा हूँ, मुझे उस नेक बंदे का पता दीजिए, मैं भाग कर उस आदमी की पनाह में जाना चाहता हूँ। माफ कीजिएगा, मैं आपको उसका नाम नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि उस नेक फरिश्ते ने मुझे कसम दिलाई है कि उसका नाम कहीं किसी को जाहिर ना किया जाए। मगर मैं उम्र भर उस नेक इंसान की तलाश में रहूंगा। अरे मेरे बीवी बच्चे उस पर कुर्बान हो, मेरे बीवी बच्चे कुर्बान हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत ठीक है, ठीक है। हवलदार से अपना बैग ले लीजिएगा। हाँ हवलदार जनाब, इनका बैग इनके हवाले कर दो, और देखो रसीद ले लेना। जब तक इस धरती पर ऐसे लोग हैं, सूरज और चांद उगते रहेंगे, ये जग टिका रहेगा। देखिए 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 ऐसे चुसा, वो सफेद बादल के पीछे जगमगाती रोशनी, यही तो नहीं है वो फरिश्ता? अजीब मुसाफिर हो तुम भी, कोई अपने पड़ाव तक यूं ही पहुंचता है भला? जब तक के आषाढ़ की तपती धूप में रेगिस्तानों में चलते चलते तुम्हारे तलवे कट फट नहीं जाते, पड़ाव पर कैसे पहुंचोगे? उस फरिश्ते को पाने के लिए तुम्हें बड़ा लंबा
और कठिन सफर तय करना होगा। नहीं नहीं नहीं, आप मेरी बेचैनी नहीं समझ सकते। मुझ पर तो इसी फरिश्ते का एहसान है जो मैं मरकर भी नहीं भुला सकता। लेकिन अगर वो ऐसे ही पर्दे के पीछे छिपा रहा तो कहीं मेरा धर्म ईमान ही ना बदल जाए। वो देखो वो उन सफेद बादलों में कुछ कैसे तमक रही है। यही है वो फरिश्ता, यही है वो फरिश्ता। फरिश्ते ठहरो ठहरो फरिश्ते, जरा रुक जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। रुक जाओ फरिश्ते, रुक जाओ रुक जाओ। अजी मैंने कहा क्या हुआ आपको? नींद में किसे बुला रहे हैं? क्या हुआ? क्या चीख रहे थे भाई? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, जरा सी आंख लगी कि वो फरिश्ता देखने लगा। तुमने तो सपना भी पूरा नहीं देखने दिया। उस फरिश्ते के अलावा तुम्हें कुछ और नहीं सोचता? क्या सोचूं? अरे मैं तो हैरान हूं कि इस पापी दुनिया में ऐसे फरिश्ते। कौन है? हसलाला, तुम मत बोलना। याद नहीं रहता कहाँ था? मुझे क्या मालूम, फिल्म देखने गया होगा। तुम इससे कुछ नहीं कहती? क्या कहूँ, मैं इसकी होती कौन हूँ? मुझे तो लगने लगा है अनवर की बेटी ने ही इसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। वैसे एक बात बताऊँ? बताओ। ये अनवर की बेटी मेरे लिए है बड़ी किस्मत वाली। अरे याद है जिस दिन कैश खो गया था? अरे गुलाम काका उसी दिन तो रिश्ता लेकर आया था। चुप भी रहो, आई वो तो खुदा की करनी थी। हाँ तुम तो यही कहोगी कि सब खुद ब खुद हो गया। लड़की तो मुझे अच्छी लगती है पर वो मानवर। मुझे तो वो घर ही बुरा लगता है। हम देखो कल तुम्हारा बेटा अनवर के घर लड़का देखने जा रहा है। गुलाम काका ने सारी तैयारी कर ली। ऐ सारे फसाद की जड़ ये गुलाम काका ही तो है। अब बस देखते जाओ, एक तावीज से सब सुधार दूंगी। ठीक है ठीक है, सुबह सुधार रहा। अभी तो सो जाओ ना, रात काफी हो चुकी है, नींद भी तुमने बीच में तोड़ दी मेरी। सो जाओ चलो। कैसी हैं आप शमशाद? अरे बोलिए ना, आप तो बोलती ही नहीं, एकदम चुपचाप ही बैठी हैं। अब वो देखिए कितना सुंदर गुलाब का फूल है, बिल्कुल बिल्कुल आपके रूप जैसा। जी मुझे देर हो रही है, गुलाम काका कह रहे थे कि आपको कुछ पूछना है। पूछ ही तो रहा हूं, आप तो कुछ बोलती ही नहीं। अच्छा ये बताइए कि आपको मैं पसंद हूं कि नहीं? आप मुझे जाना चाहिए, आप मुझे कारखाने से लौट आए होंगे। आपको पता है शमशाद कि हमारी शादी होने वाली है, आपको मुझसे कुछ कहना नहीं है? जी हाँ, शादी से पहले एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ? मैं एक गरीब बाप की बेटी हूँ और मेरे अब्बू दिल के मरीज हैं। कल ना कहना कि। देखो शमशाद, कुछ साल पहले जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी से मेरे दिल ने तुम्हें अपना मान लिया है। लेकिन कभी तुमसे इस दिल का हाल कह नहीं सका। खैर ये मेरी खुशकिस्मती है कि रब ने हमें आपस में मिला दिया, मुझे अब कोई दहेज नहीं चाहिए। पर गुलाम काका तो कह रहे थे कि आपके वालदैन। मेरे वालदैन वही करेंगे जो मैं चाहूंगा। अच्छा शमशाद, मैं आपको पसंद हूं कि नहीं? उयला क्या कर रहे हैं, मेरा हाथ तो छोड़ दीजिए। अब से ये हाथ कयामत के दिन तक मेरे हाथ में रहेगा। शमशाद।
ला 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 हाय हुसैन मियां, अरे ये शीशा बदल गया है कि आपकी ही सूरत कुछ अच्छी हो गई है। हुसैन मियां, भला शमशाद को आप में क्या खूबसूरत लगा होगा है? यहां से अरे हुसैन मियां, देर हो गई भाई। हस लाला हसा। क्या है अम्मी? जा रहे हो? हाँ अम्मी। बेटा अब तो मुझसे पूछे बगैर ही चले जाते हो। नहीं अम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी आंखों में पानी नहीं रहा, अभी तो वो शर्म शोधी यहाँ आई नहीं। अम्मी, तानों के बगैर बात नहीं कर सकती क्या? उस बेचारी ने क्या किया? भाई तुम्हें जो बोलना है मुझसे बोलो। अभी सुना ही क्या तूने? हाँ, तेरी खुशी के लिए मैं अनवर की बेटी को यहाँ ले आऊंगी, उस मामूली से मुलाजिम की बेटी को। अम्मी, शादी मुझे करनी है कि आपको? चुप रह। वाह, खूब बातें बनाने लगे हो। वारी जाऊं, तुम्हारी इन बातों से क्या खुशबू आ रही है। देखो अम्मी, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अनवर साहब की बेटी से, बस। हाँ? नहीं तो बहू का मुंह देखने का तुम्हारा अरमान कभी पूरा नहीं होगा, समझी? हसे, अनवर के रंग में माँ से बात करने की तमीज भी भूल गए। देखो आप, मैं ना कह रही थी कि जरूर उन्होंने इस पर जादू टोना किया है। बिल्कुल ठीक कहा था। ओ हस्सा, मैं जानता हूँ इस अनवर को। अरे महीना खत्म होने से पहले ही उसकी तनख्वाह खत्म हो चुकी होती है। हाँ, पर इसे वो भिखारी नहीं दिखता ना। अम्मी जरा सोच समझ के बोला करो। अजी किस बदतमीज लड़के से बात कर रही हो तुम? अब ये तुम्हें मारने को हाथ उठा लेगा, अब तुम चुप नहीं रह सकती क्या? ठीक है, मैं ही बुरा हूँ। आज से मेरी शादी की बात नहीं करना, कह देता हूँ। मेरी शादी की बात नहीं करना। देखा कैसे झटके से चला गया। मैं भी देखती हूँ वो कमबख्त मारा अनवर कैसे यहाँ आता है और किस मुंह से बात करता है। बस तुम भी चुप करो, बस करो। नहीं चुप करूं, ये भी कोई बात नहीं। आज मैं बड़ा खुश हूँ गुलाम काका, असली मुबारक के हकदार तो तुम हो। क्या कहते हो मियां? अरे भाई, शमशाद जैसे तेरी बेटी है वैसे मेरी बेटी। वो तो है। उसकी जिंदगी संवर गई। तो अगला इतवार तय है? हाँ, बिल्कुल भाई, खुदा तुम्हारा भला करे, तुम तैयारी कर लो। बेशक। इतवार को बात पक्की होगी। जी जी। और फिर जब पूरी तैयारी हो जाएगी तो शादी कर देंगे। कैशियर साहब क्या कहते हैं? मियां वो क्या कहेंगे भाई, ये बड़ी बात है कि लड़का शमशाद को चाहता है। हाँ। और फिर मैंने साफ बात बता दी कि अनवर गरीब आदमी है, खुदा तुम्हारा भला करे, यही कहना था ना? हाँ बिल्कुल यही। पर गुलाम काका, अगला इतवार सुनकर मैं घबराने लगा। अरे मियां, रब पर भरोसा रखो। हाँ, वही बेड़ा पार लगाता है। अच्छा मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। मेरे खुदा, तू दिलों का हाल जानता है। मुझ बेबस का हाथ पकड़ना, लड़की वाला हूं मैं, मेरी लाज रखना मेरे मौला, मेरे गम मिटा देना। कुल जहां की लड़कियों समेत मेरी लड़की को भी उबार लेना। खुदाया, ये कैसी हूक उठने लगी है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। आइए। आप कैसे हैं जी? शमशाद ठीक है? जी हाँ, बैठिए जी। शुक्रिया। शमशाद बेटी, दो कप चाय तो बनाना, राजी खाला आई है। नहीं, चाय के लिए माफी चाहूंगी, अभी जल्दी में हूँ ना। मुझे जैनापा ने यहाँ भेजा है, वो हसलाला की माँ ने। जी हाँ जी हाँ, समझ गया मैं। तो अगले इतवार को आप बात पक्की करेंगे? जी जी, अगला इतवार तय है। बहुत अच्छे। वो गुलाम काका ने लेन देन की बात तो नहीं की होगी? लेन देन की? जी।
नहीं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जैनब पर मैं इसीलिए भेजा है। देखिए भाईजान, अब सच तो ये है कि लेन देन का हिसाब उठा के नहीं रखो। हाँ है ना भाजी बात। हाँ, बाकी आप कुछ देंगे तो अपनी लड़की के लिए ही देंगे ना जी। जी तो ठीक है, जैनापा ने कहा है कि इतवार को वो अपने पूरे कुनवे के साथ बात पक्की करने आएंगे। हाँ, उस दिन एक कलर टीवी हो जाए तो। कलर टीवी? कलर टीवी की क्या बात करते हैं भाईजान, आजकल तो मोटर कारें दी जा रही हैं। जी, नवतम जहाजों तक आ पहुंची हैं। जरा धीरे बोलो जी, शमशाद सुनेगी तो खुदकुशी कर लेगी। तो मैं क्या जवाब ले जाऊं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं इतना पैसा कहां से लाऊंगा। तब तो मुझे लगता है ये रिश्ता पक्का होना मुश्किल है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए, ये रिश्ता पक्का होगा इंशाल्लाह। देखिए, अगले इतवार तक 7 दिन है, मैं कोशिश करूंगा, कोशिश करूंगा। मैं 2-3 दिन में आपको जवाब देता हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। नहीं, चाय पिए बगैर कैसे जाएंगे आप? चाय फिर कभी, इस वक्त में जरा जल्दी में हूँ ना। खुदा हाफिज भाईजान। खुदा हाफिज। कैसे साहब, सब लोग इकट्ठे हो गए? तनख्वाह तो बांटिए। हाँ भाई, जरा सब्र से काम लो, अभी अभी नोट गिन के रखे हैं। अरे सुनो, बारी बारी से आओ। नूर मोहम्मद जी, हाँ भैया, ये ये लो, इधर दस्तखत करो। बशीर खान लो भैया, लो ये तुम्हारा, इधर दस्तखत। अच्छा 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 अच्छा। करीम मियां जी, जी तुम अपना, बस क्या होगा इतने से रुपयों में। वाह, क्या नए करारे रुपयों की गड्डी है, कैशियर ने बाई तरफ रख ली। कितना होगा? ये गड्डी मुझे दे देता तो मैं कलर टीवी ले आता, मेरा मसला भी हल हो जाता। अच्छा, यूं करता हूं कि नहीं नहीं, अगर मैं कलर टीवी नहीं खरीद सका तो शमशाद का रिश्ता टूट जाएगा, तो क्या करूं? नहीं नहीं, गुनाह होगा। उठा लो क्या? नहीं, अरे गुनाह क्या और सवाब क्या, मैं खुदगर्ज हूं, अंधा हूं, मगर मजबूर हूं। इस भीड़ में मौका गनीमत है, मैं कैशियर के बाएं तरफ बैठता हूं। बस अब तो हाथ बढ़ाना है। ठीक है, अब ये बंडल कहां छुपा के रखूं? अंदर की जेब में रख लेता हूं ऐसे। ठीक है, अब चलता हूं, अब चलता हूं। अरे अनवर मियां, भाई तनख्वाह नहीं लेनी है क्या? तनख्वाह तो अरे सब ठीक तो है? हाँ। ये तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं अनवर मियां, क्या बात है? अरे भाई, तुम तो पसीना पसीना हो गए हो। पसीना? अनवर मियां आइए ना, आइए आइए आइए, कैसे आइए, यहाँ यहाँ दस्तक कीजिए, यहाँ। ये क्या, यहाँ मैंने बंडल रखा था, कहाँ गया? कहाँ गया बंडल? अरे मर गया, अरे मर गया। अरे ओ, पूरे 5,000 थे, ये बंडल किसने लिया? ए भाई, ये मेरा बंडल किसने लिया? अरे ओ, अरे ये बाहर का दरवाजा बंद कर दीजिए जरा। अरे 5,000 मार लिए किसी ने। भाइयों, की तलाशी होगी। हाँ, तलाशी के बगैर मैं किसी को नहीं जाने दूंगा, किसी को नहीं जाने। अब मेरी तलाशी ली गई तो मैं
नहीं नहीं, मैं अपनी तलाशी नहीं लेने दूंगा। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। पराजय किया। साथियों, अगर किसी ने रुपए उठा दिए हो तो सीधे वापस कर दो, और नहीं तो पुलिस खूब पिटाई करेगी। मैंने गलती तो नहीं की? नहीं नहीं, अगर मिली तलाशी ली गई तो मेरे साथ साथ शमशाद के माथे पर भी पट्टा लगेगा। तुम अपनी जेबें दिखा। अरे ये क्या कर, अब क्या करूं, तलाशी शुरू हो गई। मैं ऐसा करता हूँ कि रुपयों की ये गड्डी यहीं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। अनवर साहब, आप सामने तो आइए ना। चपरासी, तू कौन होता है मेरी तलाशी लेने वाला? नहीं 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 अनवर साहब, तलाशी तो सबकी होगी, आप मेरी भी तलाशी ले सकते हैं। पर मैं तलाशी नहीं दूंगा। लगता पुलिस आ गई। पुलिस आ गई। आइए आइए वल्ला साहब, आइए 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 पुलिस आ गई। तलाशी शुरू हो गई। हवलदार साहब, ये अपनी तलाशी नहीं लेने दे रहे हैं। क्या नाम है तेरा? मैं तुम्हीं से पूछ रहा हूँ। अनवर। अबे मुझे देख के तेरा सारा बदन क्यों कांप रहा है? इधर आओ, मैं खुद तेरी तलाशी लेता हूँ। मैं नहीं लेने दूंगा। मैं तलाशी नहीं लेने दूंगा। मैं कोई चोर चक्कर नहीं हूँ। तलाशी लेने दे, चलो मुझे जाने दो। नहीं लेने दूंगा, नहीं लेने दूंगा, नहीं लेने दूंगा तलाशी। इधर आ, देखो देखो तेरी जेब में क्या रखा है। अरे ये क्या तेरी जेब में? ये नोटों का बंडल तेरी जेब में? कैशियर साहब, देखो यही बंडल है ना? हाँ, यही है, यही है। क्यों अनवर साहब, अपनी लड़की को भी ऐसी ट्रेनिंग दी है कि नहीं है? अनवर साहब, अब ससुराल में आपको पता चलेगा। हवलदार, अरे जनाब, भाई कुछ पता चला? इंस्पेक्टर साहब, चोर को गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, किस्मत से बेचारा कैशियर बच गया। वाह, वाकई कैशियर जी, भाई तुम्हारी किस्मत बड़ी अच्छी है। ये तो जनाब की दुआ का फल है। मगर जनाब, जब आप सुनेंगे कि मेरे किस आदमी ने चोरी की है तो आप हैरत में रह जाएंगे। अच्छा, किसने की? जनाब शर्माती है कहते हुए भी, उसने अपनी लड़की का ब्याह मेरे लड़के से तय कर दिया था। ओह, तो चोर कोई पराया नहीं था? जनाब बड़ा पुराना मुलाजिम है फैक्ट्री का। यो तुम्हारी किस्मत बड़ी अच्छी है कैशियर, पहले की तरह इस बार भी ये बड़ी रकम तुम्हें फिर से वापस मिल गई। लेकिन ऐसे तो साहब, वो उस फरिश्ते को देखने की किस्मत अभी तक नहीं खुली। हवलदार जनाब। अरे भाई ले आओ चोर को। ये रहा जनाब। ये मैं क्या देख रहा हूं? अनवर साहब, अनवर साहब, इतनी भी क्या मजबूरी थी आपकी? जनाब ऐसे तो साहब, आप इसे जानते हैं? अच्छी तरह जानता हूं कैशियर साहब। तो तुम्हारे बेटे की शादी इनकी लड़की से हो रही है? जी मेरी बला से, वो सब बात तो खत्म हुई। अब कैशियर साहब जी, जिस फरिश्ते ने तुम्हें नई जिंदगी दी, जिस नेक बंदे को देखने की तुम्हारी तमन्ना थी, जिस खुदा के बंदे के सामने तुम सजदा करके झुकना चाहते थे, जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था कि जब तक ऐसे लोग इस धरती पर जिंदा हैं सूरज और चांद उगते रहेंगे, यह दुनिया टिकी रहेगी, वो फरिश्ता यही है। अरे ये क्या हुआ? शायद सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। हवलदार जनाब, फौरन अस्पताल पहुंचाओ इन्हें। कम ऑन क्विक, जल्दी करो जनाब, इस फरिश्ते को बचा लीजिए, इस फरिश्ते को बचा लीजिए। अरे मैंने तो अभी अच्छी तरह से इनको देखा भी नहीं। मैंने तो मैं ऐसे फरिश्ते, ऐसे नेक दिल इंसान को दुनिया से नहीं जाना चाहता, नहीं जाने दूंगा। हमें जरूरत है ऐसे फरिश्तों की, हमें जरूरत है। फरिश्ता नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में अभी आप श्री बशीर दादा के कश्मीरी नाटक नब पे छली छली का हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद डॉक्टर रतनलाल शांत ने किया। निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, प्रस्तुतकर्ता शोभा कांत राय। भाग लेने वाले कलाकार थे नीरज शर्मा, पवन कौशिक, सुरेंद्र सेठी, मनोज भटनाकर, एसपी इलाहाबादी, नीरू अग्रवाल, शारदा गुप्ता, सुशील भोले, अशोक कुमार अनुराग,
किशोर सहजानी, केदारनाथ और प्रियंका सिन्हा। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।